यहाँ से मेरे को इजी लगा था कि आप उधमपुर उतरेंगे, ये यहाँ से आपको श्रीनगर कश्मीर के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा राधा देन कि आप जम्मू 605 रुपए तो यार मनाली भी नहीं पहुंचा जाता जब मैंने आपको कश्मीर श्रीनगर पहुंचा दिया। डल लेके पा ये टेम्पो ट्रेवलर बता रहे हैं भाई, देखो ये 300 रुपीज का है, बाकी आपको शेयरिंग इनोवा भी मिल जाएगी। स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, यही जो मैं इसका नाम बता रहा था आपको, उधमपुर का नाम चेंज हो चुका है, शहीद कप्तान तुषार महाजन। ये 10 मिनट लिया, बस भी मिल जाएगी, देखो बस भी जा रही है अपने बनिहाल। ये देखिए भाई, ये देखिए अपना श्रीनगर रेलवे स्टेशन भाई। ये 15 से 20 मिनट लिए उतारने में मैं रेलवे स्टेशन से डल गेट। ये डल गेट देखिए, बनिहाल रेलवे स्टेशन। तो ये फ्रेंड्स रूम है, ये देख सकते हैं आप, ये 2 पर्सन के लिए, 1 और 2। और वाशिद भाई कह रहे हैं यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे भाई, अलमीरा मिल गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हाजिर फ्रेंड्स आप सभी के लिए और नया ब्लॉग लेकर के। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ताज हिंदोस्तान कश्मीर। आने वाले टाइम पे जनवरी फरवरी मार्च में स्नोफॉल देखने के लिए, हिल स्टेशन जाने के लिए गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम जाने वाले, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। अभी खड़ा हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहीं से आज का हमारा सफर होने वाला है। और सफर बता दूँ, दिल्ली से कश्मीर की डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपना दिल्ली से। पहले मैं जाऊँगा अपना उधमपुर, जिसका नाम अब चेंज हो चुका, उधमपुर उसका नाम हो चुका अपना मार्टर कैप्टन तुषार महाजन MCTM, जिसका स्टेशन कोड है स्क्रीन पे दे दूंगा। ये 23 सितंबर को इसका नाम जो चेंज हो गया उधमपुर का, तो कृपया करके जब भी आप टिकट बुक कराएंगे अपना उधमपुर तक की, तो मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा, जब उधमपुर पहुंचूंगा तो आपको अपडेट भी करूंगा। तो वहां से उतरेंगे, वहां से फिर हम जाएंगे एक जो आइकॉनिक रूट है जिसका नाम है बनिहाल से अपना श्रीनगर की जो जर्नी होने वाली है हमारी लोकल DMU में, जो अपने ट्रैक के लिए बहुत फेमस है, अपने स्नोफॉल उसके राइट और लेफ्ट में बहुत ज़्यादा होता है। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30, यहीं से आज का हमारा ट्रेन का सफर होने वाला है। जिस ट्रेन से आज की हमारी जर्नी होने वाली है उसका नाम है उत्तर संपर्क क्रांति, जिसका नंबर है 12445 12445, जो कि डेली रन करती है डेली से अपना श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। बट हम कटरा नहीं जाने वाले, उससे एक स्टेशन पहले उधमपुर जिसका नाम चेंज हो चुका है MCTM मार्टर कैप्टन तुषार महाजन तक का हमारा सफर होने वाला है। 8:30 हो चुके हैं, यहाँ से निकलने का टाइम उसका 8:50 का, लेट हो चुका हूँ, 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से टिकट लेते हैं और पहुँचते अपनी ट्रेन के पास। और टिकट जो मैंने अभी नहीं ली है, अभी जनरल टिकट लेंगे, जनरल टिकट से आज का हम सफर करने वाले हैं एज यूजल, जो हमारी लो बजट जर्नी होने वाली है। वीडियो देखना स्टार्ट करें तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स ट्रेन की टिकट हमने ले ली है, ट्रेन की टिकट जो है हमारी सुपर फास्ट है उत्तर संपर्क क्रांति, 210 रुपये का टिकट है इसका दिल्ली से अपना MCTM। वैसे तो आप सभी को और भी ट्रेन अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि MCTM जाती है उधमपुर तक, बट इस वाली ट्रेन से क्या रीजन है जाने का वो मैं आपको वहीं पे पहुंचने के बाद बताऊंगा। देख सकते हैं ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी हुई है, द्वितीय श्रेणी भाई, इसमें तो भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, आप देख सकते हैं भाई क्या क्राउड है, ये देखो ये देखिए। और आज की डेट की बात करें, आज जो है 25 दिसंबर है, क्रिसमस का डे है, तुलसी पूजन का डे है। एक बार पीछे जाके भी देख लेते भाई, कुछ पीछे जगह होगी तो पीछे चढ़ जाएंगे, बट आगे तो भाई बहुत भीड़ है। चलने के लिए बस 5 मिनट बाकी है और मैं पीछे डब्बे की तरफ भाग रहा हूँ। ये देखिए भाई भीड़ है इसमें, तो भाई पीछे ही भीड़ है, पीछे ही फुल भीड़ है भाई। ये देखो अंदर की कंडीशन देखो, कोच की भाई यहीं पर एडजस्ट होकर जाना पड़ेगा भाई, क्या करें, बंदर चलते भाई, बंदर चलते पूरा बुरा हाल है भाई। और मोस्टली पैसेंजर जो है भाई श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले है ना भाई, ठंड में ही पसीना आ गया भाई, बढ़िया। बैग का जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बनेगा, जुगाड़ करो अपनी। और बस थोड़ी देर में चलने वाली 8:50 का डिपार्चर इसका भाई, इसके बाद एक और ट्रेन है 9:30 के, बट उससे मेरे को जाने नहीं, मेरे को इसी से जाना है क्योंकि ये उधमपुर जो है MCTM स्टेशन जो उतारती है 7:15 के आसपास उतारती है, उसके बाद आगे की जर्नी जो करने मेरे को आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं इसलिए ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देख रहे हो पसीना, ठंड में पसीना भाई। बोलो जयकारा शेरावाली दा बोलता चे दरबार की जय। कोई नहीं फ्रेंड, जाना था हमें कश्मीर है, बट कोई नहीं, माता रानी का भाई जयकारा तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में मोस्टली भाई जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं सारे भक्त कटरा जा रहे हैं भाई।
कोई नहीं, देखते हैं पॉसिबल होते जल्दी यात्रा भी करेंगे भाई। वैष्णो देवी आठ पचपन के आसपास का डिपार्चर हुआ है उत्तर संपर्क क्रांति का, लेकिन वैसे 8:50 तक कोई नहीं। उधमपुर से मिल जाती थी कौन से भाई, ठंड का टाइम है भी यहाँ पे जो है दरवाजा लगा रहे हैं, बहुत हवा चल रही थी। लगा दो अंदर आ जाओ, अंदर हो। हवा बहुत तेज लग रही थी भाई, फाइनली बंद हो गया भाई दरवाजा भी। चलो अब बैठ जाओ। चलो भाई अब जगह भी बन गई। और इसके टोटल स्टेशन जो पड़ने वाले हमारे न्यू दिल्ली से अपना जो है MCTM के कोई 7 से 8 से 9 कुछ पड़ने वाले, और सुबह मॉर्निंग में जो इसका स्टॉपेज है 7:12 से 13 का है अगर टाइम पे चली अपनी ट्रेन तो, अगर लेट नहीं तो। और उसके आगे की जर्नी आपको बाद में कंटिन्यू करेंगे वहीं से। ये पावर सॉकेट मिल जाएगा आपको चार्ज करने के लिए, देखिए हर एक सीट पे लगेगा भाई। ये देखो सारे बंदे यहाँ पे सेट हो गए भाई रात में सोने के लिए। ये देखो बैग मैंने कहाँ पे सेट किया हुआ, देखो ये पहले तो नीचे रखा हुआ था इस जगह पे, भाई ने रखा हुआ था, उसके बाद भाई कह रहे हैं मैं बैठ रहा हूँ भाई, फिर अपने बैग यहाँ पे बांध दिया इस जगह पे। भाई फर्स्ट टाइम अपना बैग बांध के लेके जा रहा हूँ, आज तक 2 साल की जर्नी में बांधा नहीं कभी बैग, पहली बार बांधा है बैग। ये 11:35 पे पहुंची अपनी ट्रेन अम्बाला। और आप में से कभी इस वाली ट्रेन में किसी ने जर्नी किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या एक्सपीरियंस आपका उत्तर संपर्क क्रांति में, क्या यही कुछ भीड़ मिली थी, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। फिलहाल तो बैठ गए भाई, देखो आलती पालती बांधे इस जगह पे भाई। अपने को अभी अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए हैं, ये बता दें कि भाई तेरी ना हमने आपकी जो है ओली वाली वीडियो देखी है भाई, थैंक यू भाई इस पूरी के लिए, थैंक्स अलॉट भाई। बैठने को जगह मिल गई पठानकोट 5:16 के आसपास, बढ़िया नींद आ गई थी भाई, आराम से बैठे बैठे सो गए थे बढ़िया। इसके बाद अपना आगे जो है जम्मू लग जाएगा, यहाँ से फिर अपना प्रीपेड सिम चलना बंद हो जाएगा, पोस्टपेड सिम ही चलेगा, बस सेफ्टी सिक्योरिटी के रीजन के चलते अपना जो है प्रीपेड सिम नहीं चलता, काम नहीं करता है, पोस्टपेड सिम चलेगा इससे आगे अपना जम्मू लग जाएगा पूरा कश्मीर में भी। 7 बजे आया अपना जम्मू, ये देखिए जम्मू पे ट्रेन अपनी खाली होगी भाई, बैग अपना रख दिया ऊपर साइड पे, और यहाँ पे भाई 7 बजे के आसपास ट्रेन अपनी खाली होगी जम्मू। ये देखिए भाई, ये देखो ओए होए, यहाँ से आपको फॉग देखने को मिलेगा भाई, देखिए जबरदस्त। पी लेता भाई, होता तो गर्म पानी फिर भी पी लेते हैं। और यहाँ पे क्या आपको 1 घंटे की देरी से चल रही है ट्रेन जो है अभी, रात भर के अपना पे जर्नी करेंगे, मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आपको अच्छे खासे व्यू देखने को मिलेंगे, ये अच्छी बात है सारी ट्रेन की। और इसमें स्लीपर का कुछ है रहने वाला आपका 385 रुपीज़ का किराया है, अपना थर्ड इकोनॉमी का आपका पड़ेगा 900 रुपये के आसपास, और थर्ड एसी का अपना 1000 रुपये के आसपास है, और सेकंड एसी का इसका कुछ 1400 रुपये के आसपास है। और आपका ज़्यादा बजट है कुछ, मतलब ज़्यादा पैसे तो भाई फर्स्ट एसी से भी आ सकते, उसका किराया कुछ 2400 रुपये के आसपास है सारी ट्रेन का, तो जैसा आपका बजट है वैसे आप बुक करा सकते हैं अपनी सीट। ये देखिए फ्रेंड्स, यही जो मैं इसका नाम बता रहा था आपको, उधमपुर का नाम चेंज हो चुका है, शहीद कप्तान तुषार महाजन। टाइमिंग था 9 बजे वहाँ से निकली थी नई दिल्ली से, और यहाँ पे पहुँचे कर 8 बजे के आसपास, टोटल जो अभी 1 घंटा लेट से चल रही है गाड़ी हमारी। ये अपना पहुँच चुके हैं भाई फाइनली, और JNK में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई, फाइनली अब उतर चुके हैं यहाँ पे, यहाँ तक का हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा उत्तर संपर्क क्रांति में 12445, क्योंकि यहाँ से मेरे को ईजी लगा था कि आप उधमपुर उतरेंगे, ये यहाँ से आपको श्रीनगर कश्मीर के लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा राधा देन कि आप जम्मू से भी जा सकते हैं, जम्मू से भी आपको जो है बसेस मिल जाएंगे, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आप ट्रेन से। और टाइमिंग से आने का मेरा इस वाले स्टेशन पे यही था कि
कि आगे की जर्नी जो है मैं दिन में कर पाऊंगा, क्योंकि ये 7 बजे यहाँ पे उतरते हैं तो दिन हो जाता है। उसके बाद आगे जर्नी करने में इजी हो जाएगा, रूट देखने में इजी हो जाएगा। रात में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, छोटा सा स्टेशन है, तो ये एक रीज़न था। और जो अपना लोकल ट्रेन चलती है बनिहाल से श्रीनगर के बीच में, अगर वहाँ पे मैं लेट पहुँचूंगा 3 बजे 4 बजे 5 बजे शाम को, तो वो ट्रेन जो है मिलेगी नहीं मुझे। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि मुझे रूट कवर करना अपना उधमपुर से अपना बनिहाल तक के लिए शेयरिंग टैक्सी में, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रूट वहाँ पे टनल का काम चलता रहता है, तो ये एक रीज़न है। तो इसलिए मैंने ये वाली ट्रेन की टाइमिंग सेलेक्ट की थी कि मेरे को आराम से सुबह उतर जाऊँगा, यहाँ से फिर आगे मूव करूँगा अपना। बाकी आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स मिलेंगी जो जम्मू तवी तक आती है, जम्मू तवी के बाद वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, वहाँ से आप बस ले सकते हैं शेयरिंग टैक्सी, तो वो भी एक ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ से निकलेंगे आप बाहर, ये शेयरिंग टैक्सी खड़ी है बनिहाल जाने के लिए। थोड़ा किराया ज़्यादा लेती है, तो इनसे मैं नहीं जाने वाला। सारी शेयरिंग टैक्सी खड़ी हुई है, ये बनिहाल जाती है। ये देखिए, इस साइड पे भी आपको बनिहाल की मिल जाएंगी। देखो बनिहाल जा रही है, मैं रेट पता कर लेता हूँ बनिहाल का क्या रेट है। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपका बजट है 500 से 600 रुपये के बीच में, अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेके जाना चाहते हैं ये वाली जो खड़ी हुई है स्टेशन के बाहर, तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको जखैनी चौक, MH चौक या बस स्टैंड नहीं जाना, तो मत जाइए, यहीं से आप देखे जा सकते हैं बनिहाल। ये भी बेस्ट ऑप्शन है अगर आपका बजट है जाने के लिए। यहाँ से भी चलते हैं ऊपर। ये देखिए, आगे से आपको टेम्पो मिल जाएंगे बस स्टैंड के लिए। मैंने पता करा उनसे, मेरे को बता रहे थे भाई 600 रुपीज़ है, 600 रुपये बनिहाल तक के, बट ये मेरे को थोड़े से ज़्यादा लगे। मैं आगे जाके करूँगा शेयरिंग टैक्सी अपनी। बस ये आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगी, फेंक दो नहीं आ पाएगा। ये भाई, ये अपना सामान भाई पर रखवा दिया, अपने को जखैनी चौक तक जाना है। ये 10 मिनट लिया, पे बस भी मिल जाएगी। देखो बस भी जा रही है अपनी बनिहाल, बस में भी जा सकते हैं। 10 मिनट लिए भाई ने, देखो ये छोड़ दिया अपने को। कौन सा चौक है अंकल जी? नाम क्या चौक दा जखैनी? यहाँ से तो अपने को बैग मिल चुका है, ये देखिए। और बाकी का रूट कुछ देखेंगे बनिहाल का कैसे, यहाँ पे बाय बस भी है, बाय शेयरिंग टैक्सी भी होगा, तो आपको अपडेट करते हैं यहाँ पे। देखो ये देखिए, और 30 रुपीज लिए वहाँ से यहाँ तक के लिए, वैसे 20 लगते हैं बट फिर भी 30 ले लिया हमने, बोले चलो कोई। ये देखो यहाँ से आपको रूट है पूरा आगे जाने का, तो शेयरिंग टैक्सी का अभी रेट जो बता रहे हैं वो 300 रुपये बता रहे हैं, 300 रुपये शेयरिंग टैक्सी में सीधा बनिहाल रेलवे स्टेशन उतारेंगे। ये देखो शेयरिंग टैक्सी में चलते हैं, वो सामने खड़ी शेयरिंग टैक्सी टेम्पो ट्रैवलर, तो 300 रुपये ठीक है, 300 रुपये ठीक है भाई। तो ये देखो यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, देखो तो इसी में चल देंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ना डायरेक्ट सीधा आपको बनिहाल रेलवे स्टेशन उतारेंगे, बाकी जो बसेज होती है रोक रोक के लेके जाते हैं, तो इसमें ये बेनिफिट होता है अपने को ना। ये टेम्पो ट्रैवलर बता रहे हैं भाई, देखो ये 300 रुपीज का है। बाकी आपको शेयरिंग इनोवा भी मिल जाएगी, ये भी है। तो भाई इधर बैठ जाता अपन, देखते हैं चलो। ये शेयरिंग में देखो, शेयरिंग में अपन यहाँ बैठ जाते हैं, ये अपने को टवेरा, एक मिनट, टवेरा मिल गया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अभी जैसे 26 दिसंबर 2023 को मैंने जर्नी की है, तो इस टाइम पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं था, तो इस टाइम पे इन्होंने 300 रुपीज़ में मेरे को बैठा लिया था। कई बार ऐसा होता है, सबसे अगर आप आगे बैठेंगे तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होता है, बीच वाली सीट का थोड़ा सा कम होता है, और सबसे पीछे वाली का थोड़ा और कम होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, अगर आप जनवरी फरवरी में ज़्यादा क्राउड होता है उस टाइम पे आ रहे हैं, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये 300 का 350 रुपये भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं कि 300 रुपये ले, ये कई बार 250 रुपये में भी छोड़ देते हैं, बट मेरे को 300 रुपये अच्छा लगा तो मैं इसमें टवेरा में बैठ गया। और बस का 200 रुपये है, बट वो थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैं उससे नहीं गया। अभी मुझसे जो 300 रुपीज़ के लिए भैया ने लिया 300 रुपये, तो ठीक है, बाकी टेम्पो ट्रैवलर भी आप आ सकते हैं। ये देखो भाई बैठते तुरंत निकल लिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बस भी देखो आगे है, ये बस भी आगे जा रही है, इस बस से भी जा सकते थे, बट मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे को बताया ये 170 किलोमीटर के आसपास है, 170 के आसपास है अपना जगैनी चौक से बनिहाल। मुकेश नाम है, कहाँ से भी आप? ये आगरा से बता रहे कि भाई मेरी वीडियो देखी थी दिल्ली से अपना कश्मीर वाली ना भैया, एकदम से पहचान लिया मेरे को, ट्रेन में मिल गए थे यहाँ पे भैया मिल गए। जैसे आप निकलेंगे तो बढ़िया आपको हाईवे मिलेगा, देखिए अभी बीच में आगे जाके कुछ पैचेस हैं जो खराब हैं, बाकी तो यहाँ से 4 लेन बढ़िया आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ 10 मिनट चलने के बाद अपना कुछ रेस्ट स्टॉप आ गया है,
सामने कुछ ये ढाबे हैं रेस्टोरेंट टाइप, स्वीट्स एंड कश्मीरी वाजवान। मैंने तो बोल दिया भैया को कि भाई नमकीन चाय पी लेंगे, कभी कभार तो पीने को मिलती है चाय। भैया भैया वार पड़ चुका ठीक है, असल पॉइंट असल पॉइंट तो देख लो भाई, थोड़ी बहुत कश्मीरी आती है ना मेरे को, समझ गए ना। चाय बना दो भैया। तो थोड़ी बहुत कश्मीरी मेरे फ्रेंड ने सिखाई भी है मेरे को, तो भैया से बात करी मैंने भी, उनके हालचाल पूछे मैंने, कैसे कैसे नहीं आप, तो उन्होंने बताया मैं बढ़िया हूँ, तो मैंने बोला असल पॉइंट। ये अपने भाई कश्मीरी चाय नमकीन वाली ट्राई करते हैं। ओह भाई बढ़िया यार। तो यहाँ से फ्रेंड्स अपना चाय पानी वगैरह हो चुका है, ज्यादा तो नहीं खाया भैया, मैंने चाय ली थी बस एक, वही अपनी नमकीन वाली। शबीर पठान भैया का नाम है, और अगर होगा तो भैया का नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, अगर आप आना चाह रहे हैं या आप उधमपुर उतरते हैं, उधमपुर से जखैनी चौक आने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दिन पहले भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको। हाँ जी, आपको जो भी एडवांस में, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट होगा तो मिले ना मिले कह नहीं सकते, एक दिन पहले कॉल कर दो, दो दिन पहले कॉल कर दो, कोई बात नहीं। 5 लोग है, 6 लोग है, 7 लोग है, 8 लोग है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो भाई जान का नंबर हमारे पास, नंबर और भी टैक्सी है तो आपको नंबर दे दूंगा। ये आप देख सकते हो सामने जो पहाड़ है पटनी टॉप का है, और ऊपर हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है। ये कट निकल गया पटनी टॉप के लिए, ये पटनी टॉप के लिए निकल गया सीधा राइट, ये पटनी टॉप, हम निकल गए सीधा अपने टनल के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना टोल प्लाजा आ चुका है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चनानी नेशनल टनल लिमिटेड। ये देखिए ये भाई काफी लॉन्गेस्ट टनल है, 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर की टनल है। ये देखिए कुछ कुछ पैचेस में यहाँ पे भी काम भी चल रहा है, आने वाले टाइम पे भी ठीक हो जाएगा। देखिए साइड पे लैंड साइड बहुत होती है, ये देखिए अभी भी इतना सारा काम चल रहा है, कुछ कुछ पैचेस देखो यहाँ पे ऐसे, अभी यहाँ पे देखो लैंड स्लाइड होता रहता है, ये जो एरिया है ये आगे टनल है, ये पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। देखो नीचे रिवर, देखो ऐसा लग रहा है ऋषिकेश में घूम रहे हम, देख सकते हैं 1 घंटे के आसपास सफर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामबन, और यहाँ से रामबन का रोड स्टार्ट है। देखो ऊपर से रामबन है, देखो ये ऊपर से जाएंगे रामबन है मेन, पर ये बाईपास से लेके जा रहे हैं सीधा। ये देख सकते हैं अपना बनिहाल का बाजार है। यहाँ पे भी टाइम की बात करें हम 8:45 पे निकले थे, 8:45 पे AM मॉर्निंग में, और यहाँ पे 11:20 हो रहे हैं अभी, तो आप लगा सकते हैं बनिहाल दो सवा दो घंटे मतलब मोटा मोटी 2.5 घंटे मान के चलो। और भैया ने एक जगह रोकी थी वहां पे भी टाइम लगा था हमें 15-20 मिनट का, वरना 2 घंटे तो आराम से, भी इतना टूरिज्म नहीं है ट्रैफिक नहीं है तो आराम से हम आ गए, मतलब 2.5 घंटे लगते हैं। ये पहुंच चुके अपना बनिहाल रेलवे स्टेशन, चलो भैया तो खैर नीचे उतार रहे हैं सीधा निकल जाएंगे। तो भाई बढ़िया जर्नी रही ये, 2.5 घंटे की भी जर्नी हमारी, 160-170 किलोमीटर की, हमारी टैक्सी वाले ने नीचे उतार दिया था। ये देखिए यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऊपर साइड पे, इस साइड पे रास्ता है ये स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बनिहाल रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम अभी टाइम हो रहा है 11:30। मैं ट्रेन की टाइमिंग भी पता कर लेता हूँ, मॉर्निंग में तो चली जाती है यहाँ पे, और लास्ट टाइमिंग क्या रहती है देखिए, ये टाइमिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये विंटर टाइम टेबल बनिहाल, ट्रेन टाइमिंग देख सकते हैं, उसका ट्रेन का नंबर है, और बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ से टिकट काउंटर है, ये टिकट देख सकते हैं 45 रुपीज़ का टिकट है। अब ये देख सकते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन का भी माहौल है, अभी DMU ट्रेन हमारी लोकल आने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी देखिए नई वाली ट्रेन जो हमारी विस्ताडोम कोच है मेरे हिसाब से जो है नई वाली है, बनिहाल बड़गाम बारामूला तक जाती है, राइड होने वाली है भाई इसमें। देखा 3+2 का कॉम्बिनेशन है, बाकी लगेज रखने के लिए ऊपर आपको स्पेस मिल जाएगा। चलते चलते पहुंच चुके हैं यहाँ पे भाई, ये वाला सीटिंग थोड़ा ठीक है भाई, ये थोड़ा सही लग रहा है, उस वाले से बैठे रहे, प्लास्टिक है। ये भैया मेरे को जानते हैं भाई, सब्सक्राइबर अपने, नाम क्या भी आपका? नरेश शर्मा। इन्होंने पहचान लिया था भाई मेरे को टिकट काउंटर पे, थैंक यू भैया, कैसा कंटेंट है, बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच, 1 लाइक बनता है भाई इसी बात पे, थैंक यू। बात करें इस ट्रेन का, तो ट्रेन हमारी जो है अपना बनिहाल से अपनी चलती है बारामूला की तरफ, बट हम श्रीनगर पे उतर जाएंगे, और श्रीनगर का इसका टोटल स्टॉपेज जो है इसके टोटल 10 स्टॉप पड़ते हैं बनिहाल से श्रीनगर के, और टोटल 78 किलोमीटर की हमारी जर्नी होने वाली है 78 किलोमीटर की, और वहाँ पे जो इसका स्टॉप है 1:40 का है,
11:55 पे यहाँ से चली है और 1:46 पे आपको उतार दें यहाँ पे। आप लगा सकते हैं अभी कुछ एक सवाल देखते जर्नी बहुत खास है वैसे तो यहाँ पे मेरे को मेरे हिसाब से स्नोफॉल नहीं मिलने वाला जो मेरे को लास्ट टाइम मिला था जनवरी में। बात करें ट्रेन की जो नंबर है उसका नंबर है 04613 04613। कोई भी खिला दो भैया। गाजीगुंड के बाद क्या मेरे सबसे सिंगल लाइन होगी तो इस वजह से यहाँ पे गाजीगुंड में हमारी ट्रेन ने वेट किया। उसके बाद ही अपनी लूप लाइन पे खड़ी हुई थी, अब ये मेन लाइन पे जाएगी, मेन लाइन से आगे निकलेगी, सिंगल लाइन आगे मे भी मेरे सबसे। बड़ा मिस्ट्री सा वेदर हो रखा है यहाँ पे। ट्रेन भाई लेट चल रही है थोड़ा सा, अभी इतने बजे का टाइम था इसका श्रीनगर पहुंचाने का, बट थोड़ा सा लेट चल रही है। अभी पंपोर पहुंची है, नेक्स्ट स्टॉप अपना श्रीनगर का। दो बजे है अपना श्रीनगर। फ्रेंड्स 11:55 पे हमारी ट्रेन चली थी और यहाँ पे हमें उतारा 2 बजे, तो मोस्टली अब लगा सकते हैं ओवरऑल 2 घंटे की जर्नी हमारी रही इस DMV लोकल ट्रेन में। तो अभी तो फिलहाल इस वाले रूट पे जो है स्नो नहीं है, अब 31 को गिरेगी, 5 जनवरी को, 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी इस टाइम पे धूप निकली है, मौसम उस टाइप का है नहीं स्नो वाला। चलिए सफर हमारा श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक का कंप्लीट हो चुका है, अब आगे पहुंचेंगे डल लेक के पास। सामने बसेस खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं बसेस में जो कम पैसे लगते हैं, तो बसेस से मैं जाने वाला हूँ। बस से क्या कम पैसे लगते हैं थोड़े से, डल लेक तक जाने देंगे, डल गेट तक छोड़ती है, तो मैं यहाँ से बस ही लेने वाला हूँ और कुछ ऑप्शन नहीं लूंगा, सस्ता वाला है। ये देखिए ऑप्शन आपको ऑटो का ही मिल जाएगा, टैक्सी का ही मिल जाएगा, ये देखिए बस आपको मिल जाएगी आगे भी, ये देखिए पता कर लेते हैं भाई डल्ले कौन सी जा रही है। एक ये रेड बस भी है AC वाली, इससे पता कर लेते हैं कहाँ तक जाएगी। डल गेट चलो भाई, सिटी बस है अपने श्रीनगर की और सही AC बस है और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक AC बस है भाई, बहुत आना कूल है। गेट तक जाएगी अपनी बस जो है वाली AC बस है, 20 रुपीज़ टिकट है इसमें। मुझे 15 से 20 मिनट लिए उतारने में मैं रेलवे स्टेशन से डल गेट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं हमेशा उतरता हूँ, लास्ट टाइम भी उतरा था। देखिए ये गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ता हुआ मैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, आप सबके लिए स्पेशल बनाया है ताकि आप लोग जनवरी फरवरी में मार्च में अपना आराम से यहाँ पे स्नो देखने आ सके, कैसे पूरा बजट आप बना सकते हैं आने का। 605 रुपये में तो यार मनाली भी नहीं पहुंचा जाता, जब मैंने आपको कश्मीर श्रीनगर पहुंचा दिया डल लेक के पास। ये देखिए आगे डल लेक है पूरा, फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं वहां से हम आए हैं डल गेट के पास से पैदल चलते हुए और यहाँ से फुटपाथ से चलते चलते इस साइड से आ रहे हैं। अगर आप उस साइड निकल जाएंगे तो घाट नंबर 1, घाट नंबर 2, 3, 4, 5, बट आपको इस वाले कट में आना है। ये कट में आप आएंगे तो यहाँ से आपको नैरो दिखेगा पूरे फुटपाथ से चलते चलते, सामने यहाँ पे जाना हमको, ये छोटी सी गली है वहाँ पे इस साइड पे, बिल्कुल डल गेट 1 नंबर गेट के सामने यहाँ पे स्ट्रीट है, ये चौराहा है, यहाँ पे आपको हिज ग्रेस मिल जाएगा, होटल मेघदूत मिल जाएगा, तो ये चौराहा है, यहाँ से कटता है सामने से बिल्कुल। एनी ब्लॉग जैसा है यार, कैसे बढ़िया है भाई, हाई कैसे ये अपने भाई, देखा फ्रेंड्स यहाँ पे अपना जो है डल गेट नंबर 1 है, 1 से घूम करके आपको साइड से ऑपोजिट साइड से बिल्कुल यू घूम करके ऐसे आना है साइड पे, तो यहाँ से आपको ये रूट मिलेगा। तो मेरे साथ क्या है वाहिद भाई भी है, इनका नाम वाहिद है और आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर। ये बुलंदशहर से आए थे ट्रेन से थे, ये मेरे को शेयरिंग टैक्सी में मिल गए थे, शेयरिंग टैक्सी के बाद इन्होंने बोला कि भाई बजट में मैं भी जा रहा हूँ तो मेरे को भी बजट बता देना। भाई की वीडियो देखी तभी मैं इनके साथ आया। ये भाई अपने सब्सक्राइबर भी है, इन्होंने मेरी वीडियो भी देखी हुई है, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ पे हमको मीतू भाई मिल चुके हैं, मीतू भाई अपना देखते हैं डॉर्मेट्री लेंगे या फिर अपना रूम लेंगे, वो दिखा देंगे अभी, अगर अपने को सही लगेगा तो भाई अपन यहीं पे स्टे कर लेंगे। बाकी बात हो रखी थी मेरी पहले से क्योंकि सीजन है यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है, 31st है और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा स्नोफॉल के लिए भी आ रहे हैं सोनमर्ग में, जो गुलमर्ग में स्नो गिरी है। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है 107102, ये कुछ इस टाइप की, ये देखिए ऊपर चलते हैं भाई।
ये कुछ आपको कॉरिडोर्स मिल जाएंगे अलग अलग। वाईफाई वगैरह है मितु भाई? वाईफाई ना, वाईफाई वगैरह सब कुछ है। ये भाई इनका डाइनिंग एरिया है मेरे हिसाब से। तो ये फ्रेंड्स रूम है, ये देख सकते हैं आप, ये दो पर्सन के लिए एक और दो। और वाशिद भाई कह रहे हैं यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे भाई, अलमीरा मिल गई यहाँ पे, दो चेयर है, एक टेबल है। और ये अपने को भाई यहाँ पे जो है गीजर, एक वॉशरूम मिल गया। वॉशरूम का एक बार दिखा दे आपको झलक। ये देखो ये कुछ वॉशरूम है, इंग्लिश सीट है और ये अपना गीजर वगैरह लगा हुआ है। तो ठीक है, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट यहाँ पे हो जाएंगे भाई, दो पर्सन के लिए बढ़िया है यहाँ पे। और बाहर से एक बार प्रॉपर्टी दिखा दें, साइड पर कुछ 107 है, रूम नंबर 107। ये 107 ये कुछ प्रॉपर्टी है, पर इसके डॉर्मेट्री भी है, डॉर्मेट्री बहुत सस्ते हैं, डॉर्मेट्री अभी फुल है सीजन के टाइम पे। तो यहाँ पे रूम नंबर 107 हमने लिया हुआ है। डल गेट से वॉक करके अपना पास है मैंने रूम कैसे लिया। तो इस रूम का मैं होटल का नाम आपको स्क्रीन पे दे दूंगा और राशिद भाई का नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। रूम का छोटे वाले रूम के टू पर्सन का मेरे को विद गीजर लगा हुआ है, आराम से फैसिलिटी वगैरह बिल्कुल ठीक है। ऊपर तंदूर की फैसिलिटी अवेलेबल है, टेरेस है, डाइनिंग एरिया है और काफी अच्छी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी इस होटल में। और आपको क्या है, इसका रूम का रेट मेरे को पड़ा 800 रुपए का टू पर्सन के लिए, फ्लक्चुएट होता रहता है। बड़े वाला रूम अगर ऊपर बड़े वाला रूम भी है वो ऑक्यूपाइड है, उसका 1000 से 1200 रुपए है। और डॉर्मेट्री अगर आप लेना चाहेंगे, अगर आपका बिल्कुल बजट कम है कि आप शेयरिंग में लेना चाहते हैं डॉर्मेट्री, तो उसका पड़ेगा आपको 250 रुपए, 250 रुपीज पर पर्सन। तो जैसे भी आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। अन्नी ब्लॉग्स अनिल बोलेंगे राशिद भाई को, उनको हिंदी भी आती है और मलयालम, साउथ साइड से वो, केरला साइड से, तो उनको तमिल, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी सब आती है बोलनी। तो जैसे भी आपको लगता है उनसे बात कर लेना, मैनेज कर लेना। फ्रेंड्स होटल का नाम है होटल लेक ब्रीज गेस्ट हाउस, तो स्क्रीन पर नाम दे दूंगा आपको, होटल लेक ब्रीज गेस्ट हाउस। ओके फ्रेंड, डल लेक से आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जल्दी से प्लान बनाइए श्रीनगर आने का, कश्मीर आने का, लो बजट में कैसे आ सकते हैं, सारी वीडियो आपको मैंने बता दी है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और एक नई वीडियो के साथ।